हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 9 नवंबर 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप से, या ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर ऐप में आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो पीडीएफ एप्लीकेशन को अपडेट कर लें, और एप्लीकेशन में पीडीएफ स्टोर करके एक नया सेक्शन बनाया गया है, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में टेलीग्राम और ऐप दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करना चाहूँगा एक अपील। आज का दिन जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा फैसला आना है जो काफ़ी लंबे समय से विवादित रहा है, काफ़ी लंबे समय से जिसका पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। और ऐसे में आप लोग, क्योंकि आप भविष्य के प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ऐसी कोई बात ना करें, ऐसी कोई बात ना कहें जिससे देश की शांति व्यवस्था भंग हो। ना सोशल मीडिया पर कहें, ना एक दूसरे से कहें। जो फैसला है उस फैसले का सम्मान करें और उस फैसले के साथ खड़े हों। और मेरी ये विनम्र अपील दोनों पक्षों से है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम थॉट ऑफ द डे की। आज का थॉट है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, यानी आप अपने आप में एक नायाब हीरा हैं। आपके अंदर वो सारी क्षमता हैं जो आप महान से महान हो सकते हैं, बड़े से बड़ा काम हो सकते हैं, लेकिन चमकता वही है जो इसे तराशने की पीड़ा से गुजरता है। ये जो चमकने की प्रक्रिया है, ये जो तराशने की प्रक्रिया है, ये बहुत तकलीफ देह होती है, और जो इस तकलीफ को सह के आगे बढ़ जाता है वो हीरे के रूप में चमकता है, और जो नहीं बढ़ पाता आगे वो वहीं दबा कुचला रह जाता है। तो अपने आप को संघर्षों में आगे बढ़ाइए और एक दिन आप हीरे की तरह चमकेंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नील नदी का उद्गम स्थल क्या है। काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया और इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, जहाँ से इसका उद्गम होता है। अब वो तीन कमेंट्स आपको दिखाने का समय आ गया है। पहला कमेंट है सुनील राजौरिया का, और बहुत अच्छा इन्होंने उत्तर दिया है, आपने काफ़ी लाइक भी किया है। सतीश निगम लगातार अच्छा उत्तर दे रहे हैं और लगातार यहाँ पर इनका कमेंट आ रहा है। इसके अलावा पंकज पातस्कर, इनने भी काफ़ी अच्छा कमेंट करके उत्तर दिया है। और आप चाहते हैं आपका नाम भी यहाँ पर आए तो अच्छे से उत्तर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों की। पहला प्रश्न कि किस प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, और ये हिमाचल प्रदेश के लिए। दूसरा प्रश्न, भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया गया, ये भारत इंडोनेशिया के बीच में आयोजित हुआ। तीसरा प्रश्न, सरकार ने किन वस्त्रों के लिए अलग से विशेष कोड आवंटित किया है, और ये खादी वस्त्र के लिए किया है। चौथा प्रश्न, किस देश ने यूरेनियम संवर्धन पर फिर से शुरू कर दिया है, और ये ईरान के द्वारा किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। छठवां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर दो हेल्थ एटीएम स्थापित किए हैं, ये स्थापित लखनऊ में किए गए हैं। सातवां प्रश्न है कि चीन ने किस देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया सूडान का उपग्रह है। और आठवां प्रश्न है कि किस आईआईटी ने स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाई है, ये बनाई है आईआईटी मद्रास ने। और नवा प्रश्न है कि 153 देशों के कितनों से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा वैश्विक जलवायु आपातकाल की संयुक्त घोषणा की गई है, और ये 11,000 वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। और दसवां प्रश्न है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई हैं, और ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्न की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, पसंद नहीं आता कोई बात नहीं, डिसलाइक करो और शेयर मत करो, लेकिन हाँ पसंद कर रहे हो तो आप इस चीज़ को आगे तक जरूर पहुँचाओ। पहला प्रश्न, भारत की न्याय रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो अभी भारत में एक न्याय रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर यानी कि नंबर वन पर रहा है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो देश के अंदर न्याय वितरण की पहली रैंकिंग जारी हुई है और इस रैंकिंग में 18 बड़े और मध्यम राज्य और बाकी 7 छोटे राज्यों की रैंकिंग बनाई गई है, और इसमें महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, उसके बाद केरल है, तमिलनाडु है और पंजाब है, और इस श्रेणी में झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे रहे हैं, इनकी पोजीशन सबसे खराब रही है। 7 छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा इसमें शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे जो इसमें नंबर वन पर रहा है और काफ़ी चर्चा में भी लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। महाराष्ट्र के ऊपर देखेंगे तो इसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में, इधर छत्तीसगढ़ के साथ में, नीचे तेलंगाना के साथ में, इधर कर्नाटक के साथ में, और ऊपर जो है गुजरात के साथ लगती है, और इधर ये जो है अरब सागर के साथ सीमा को साझा करता है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री अभी तक तो देवेंद्र फडणवीस है, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात रहेगी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है, राजकीय पक्षी पीले पैर वाले हरे कबूतर हैं और राजकीय वृक्ष आम है, राजकीय फूल जरूल है। लोकसभा की यहाँ पर 48 सीट हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं, विधानसभा की 288 सीट हैं और यहाँ विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीट्स हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि दूसरा प्रश्न है कि 2020 में नो मनी फॉर टेरर ये सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा। इससे पहले ये अभी जो वर्तमान में ये सम्मेलन जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है 2019 का, और पहली बार 2018 में इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत 2020 में नो मनी फॉर टेरर इस सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है और ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है मेलबर्न, वहाँ पर चल रहा है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2019, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी गए हुए हैं। अब बात करते हैं इस सम्मेलन की या इस संगठन की, तो 100 से अधिक देशों के सम्मेलन का आयोजन ये होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU के द्वारा इसका किया जाता है आयोजन, और इस सम्मेलन को संयुक्त रूप से द एगमोंट ग्रुप कहा जाता है, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न की कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं अरविंद सिंह, ये IAS हैं, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो महाराष्ट्र कैडर के 1988-1988 बेच के IAS अधिकारी हैं अरविंद सिंह, और ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए हैं, और इस नियुक्ति से पहले ये जो थे महाराष्ट्र सरकार में अवर मुख्य सचिव ऊर्जा के रूप में काम कर रहे थे। बात AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके अधीन ये आता है, और इसके पास देश में 100 से ज़्यादा हवाई अड्डों का स्वामित्व भी है और उनका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट करने का काम भी यही करता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी चौथे प्रश्न की कि किस सेना ने अपने वीडियो गेम का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया गया भारत की वायुसेना के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की वायुसेना ने युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए एक वीडियो गेम लॉन्च किया था, और ये वीडियो गेम मई के अंदर लॉन्च किया गया था, एक उसका उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया है, और इस गेम का नाम है इंडियन एयर फोर्स अ कट अबव। पहले इसमें क्या था, सिंगल यूज़र या एक ही व्यक्ति इस गेम को खेल सकता था, लेकिन अब इसमें मल्टीपल यूज़र्स एक ही गेम में इसको साथ खेल पाएंगे। बात भारतीय वायुसेना की करेंगे तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसका आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, और वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी पांचवें प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ IODA इसकी उपाध्यक्ष चुनी जाने वाली भारतीय कौन बन गई हैं, पहली भारतीय, और इसकी उपाध्यक्ष बन गई हैं डॉक्टर विनया शेट्टी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विनया शेट्टी ये आर्थिक संगठन विकास संघ IODA इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन इसकी उपाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, और उनके द्वारा जो भारत में प्रयास किए गए हैं उससे उद्योगों के कई संगठनों का निर्माण हुआ है, उनके बदलाव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले इनके द्वारा किया गया है, और 2009 में IODA के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी छठवें प्रश्न की कि G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का छठवां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन हुआ टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है, जापान की राजधानी टोक्यो है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो G20 देशों के संसदीय वक्ताओं या जिनको हम कहा जाए स्पीकर्स, उनका छठवां शिखर सम्मेलन 3 से लेकर 5 नवंबर के बीच में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ, और भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं जिनको तस्वीर में आप यहां पर देख पा रहे होंगे, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, इनके नेतृत्व में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था, इस बैठक में इनके द्वारा हिस्सा लिया गया है। बात G20 देशों की बात करें तो 26 सितंबर 1999 की इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अंदर दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इन 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सातवें प्रश्न की कि किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन ने
OLY की उपाधि से सम्मानित किया है। तो OLY इसकी उपाधि से सम्मानित किया है मैरी कॉम को, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ल्ड ओलंपियंस एसोसिएशन ने क्या किया है कि भारत की जो बॉक्सर है मैरी कॉम, आप सभी इनको जानते हैं, इनको OLY की उपाधि से सम्मानित किया है। जहाँ पर इसको आप देख सक रहे हैं, OLY की उपाधि दी है, और ये उपाधि उन खिलाड़ियों को दी जाती है जो ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता हो, साथ में पदक जीतने के अलावा वो समाज में ओलंपिक मूल्यों जैसे मित्रता है, बंधुत्व है, इस प्रकार के मूल्यों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और मैरी कॉम यही काम कर रही है। मैरी कॉम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है, और ऐसा करने वाली दुनिया की एकमात्र चैंपियन वो हैं। आगे बढ़ेंगे, 7-8वें प्रश्न की बात होगी कि किस देश की 2 बार ओलंपिक मुक्केबाजी चैंपियन निकोला एडम्स ने संन्यास की घोषणा की है, और ये घोषणा की गई है ब्रिटेन की निकोला एडम्स के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 2 बार की ओलंपिक चैंपियन रही हैं ब्रिटेन की निकोला एडम्स, और आंखों की रोशनी खोने की आशंका के चलते कि डॉक्टर ने उनको सलाह दी है, चिकित्सकीय सलाह दी है कि आप मुक्केबाजी छोड़ें, और इसके बाद उन्होंने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा कर दी है। इनके द्वारा 2012 में लंदन में पहली बार और रियो ओलंपिक 2016 में स्वर्ण पदक जीता गया था। तो इस प्रकार से डबल ओलंपिक चैंपियन बनने वाली दुनिया की एकमात्र महिला मुक्केबाज ये हैं। आगे बात होगी 9वें प्रश्न की कि किन्हें विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, वर्ल्ड डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं वी टोल्ड बांका, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विटोल्ड माका इनको बनाया गया है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, एंड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, और वाडा जो है 400 मीटर धावक रह चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में पोलैंड में खेल और पर्यटन मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी 10वें प्रश्न की कि 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, और इसकी मेजबानी की जाएगी भारत के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बैठक हुई, और इस बैठक में FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है, और लगातार दूसरी बार भारत इस प्रतियोगिता का आयोजन अपने यहाँ करने वाला है। इसके अलावा इस तरह से भारत 4 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन करने वाला पहला देश बन जाएगा, और स्पेन और नीदरलैंड इनके द्वारा 1 से लेकर 22 जुलाई तक जो 2022 में महिला विश्व कप होगा उसके ये सह आयोजनकर्ता होंगे। स्पेन और नीदरलैंड्स के अंदर ये आयोजन किया जाएगा, और इसी तरह से भारत में क्या किया जाएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये था आज का हमारा वीडियो। अब बात होगी आज का सवाल की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जिनका इन उत्तर पसंद आते हैं आप लाइक भी कर सकते हैं उन उत्तरों को, ताकि वो हमारे कल की वीडियो में शामिल हो सकें। हमारा प्रश्न है कि हॉकी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो हॉकी का जन्मदाता के बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, और हॉकी से जुड़े हुए तथ्य पर जो परीक्षा में आते हैं। इसके अलावा आप हमारा एक फन फैक्ट जुड़ा हुआ मेहनत से कि 1 किलो शहद बनाने के लिए जो पूरा छत्ता होता है मधुमक्खियों का, उसको लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, और करीब 90,000 मील उड़ना पड़ता है, और अगर इस 90,000 मील को हम काउंट करें तो धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर होता है, और इतनी मेहनत के बाद मधुमक्खी अपने छत्ते में 1 किलो शहद बनाती हैं, और उस शहद का आप कितनी आसानी से मज़ा लेते हैं आपको समझ में भी नहीं आता कि वो कितनी मेहनत से बनाया गया है। तो मेहनत का सम्मान करें। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे और आज का वीडियो करेंगे समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।